तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और मैंने अपने मंदिर की पूजा भी कर ली है। तो मैंने यहाँ पे मंदिर की पूजा कर ली है और भी मैंने विराज को भी स्कूल भेज दिया है और विराज की डैडी भी नाश्ता वगैरह करके जा चुके हैं, तो मैं भी अपने लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। यहाँ पर मैं ब्लैंकेट वगैरह को तय लगा देती हूँ पहले, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बेड ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है। फिर मैंने सोचा पहले सब लोग जा चुके हैं घर से, तो पहले मैं ब्लैंकेट वगैरह को तय लगा के उसको सही से रख दूँ, उसके बाद मैं फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। ये वाला ब्लैंकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने यहीं नेपाल से लिया था और काफ़ी गर्म करता है, नेपाल में ऊनी कपड़े बहुत गर्म करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेड वगैरह सब क्लीन कर दिया है और अभी जो नाश्ता वगैरह इन लोग ने किया था उसके बर्तन में बाहर ले जाने लगी हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और दूध थोड़ा ज़्यादा था भगोने में, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए चाय बनानी थी, तो ज़्यादा हो जाती तो बच ही रह जाती चाय, इसलिए मैंने दूध को थोड़ा सा कम कर दिया है। मैं नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ तो बार बार मुझे सामान लाना उठाना पड़ता है, तो इससे क्या होता है मुझे लेट भी हो जाता है काम करने में। फ़िलहाल मैं यहाँ पे दूध को खाली कर रही हूँ, थोड़ा कम कर रही हूँ, नहीं तो चाय ज़्यादा हो जाती। तो मैं नीचे बैठ के बनाने से ये भी होता है ना कि बार बार सामान, ज़रूरत का सामान मतलब आसपास नहीं होता, उठ उठ के लाना पड़ता है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत भी होती है। फ़िलहाल अब रेंट पे रहते हैं तो ये तो एडजस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है एडजस्ट करना ही ज़िंदगी का नाम ही एडजस्ट करना है। कोई भी कहीं भी रहता हो, चाहे वो कैसा भी घर हो, कहीं ना कहीं हर इंसान एडजस्ट करता ही है, तो उसका नाम ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम एडजस्ट करना। खैर फ़िलहाल मेरी यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मैं अपने लिए पराठा भी बना लूँ, तो मैंने विराज को पराठा बना के दिया था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक पराठा बना लिया है। मुझे चाय के साथ पराठा खाना बहुत पसंद है, बचपन में मम्मी देती थी चाय के साथ पराठा, शायद आप लोग भी खाते होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं इसे डेली नहीं खाती, कभी कभी खाती हूँ। फ़िलहाल मैंने विराज को टिफ़िन में दिया था पैक कर कर, तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ मेरा पराठा रेडी हो चुका है और मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, अब जाकर मैं चाय पी लेती हूँ और पराठा खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। ये रात की थोड़ी सी सब्जी रखी थी, बहुत ही थोड़ी थी लेकिन मेरे लिए इनफ थी। आप देख सकते हैं इसमें शायद दो ही आलू हैं, तो फिर भी मेरे लिए इनफ है, तो मैं इसके साथ खा लेती हूँ। रात की सब्जी थी चाय और पराठा, मुझे बहुत पसंद है खाना, और फ़िलहाल मैं यहाँ पे चाय पीकर और फिर खाने की तैयारी करूँगी, खाना वाना बनाकर फिर मैं रूम वूम क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है और आप देखिए फिर से मैं उसी रूम को क्लीन कर रही हूँ। कपड़े वगैरह निकालते हैं अलमारी से तो ढंग से बिखेर देते हैं, तो उसको ही मैं ढंग से लगा रही हूँ, और आप देखिए कितनी जल्दी धूल आ गई जबकि घर में कोई भी नहीं था, फिर भी पता नहीं कैसे हवा भी चल रही है बाहर, तो क्या पता उससे भी धूल आ गई हो। यहाँ पर विराज के डैडी अगर कुछ भी निकालते हैं अपने लिए, कोई भी कपड़े निकालते हैं तो वो बिखेर देते हैं, और मुझे बिखरे हुए कपड़े नहीं पसंद है अलमारी में, तो मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन करने के बाद मैं हैंड टू हैंड जब वो चले जाते हैं, तो मैं इसे डेली का है मेरा कि मैं अलमारी को क्लीन करके रख देती हूँ, सही जगह पे सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो अलमारी क्लीन करने के बाद फिर मैं विराज का वेट कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपना पूरा काम फिनिश कर लिया है और खाना वगैरह भी बन चुका है, लेकिन विराज का आने का टाइम भी हो चुका है और बस उसका ही वेट कर रही हूँ। अभी मैंने भी खाना नहीं खाया है, तो लगभग मेरी अलमारी यहाँ क्लीन हो चुकी है और मेरा घर भी नीट हो चुका है। मैंने कमरे को क्लीन कर लिया, आगे वाला कमरा मेरा हमेशा क्लीन रहता है, यहाँ मैंने बर्तन को भी वॉश कर दिया है। और विराज फ़िलहाल स्कूल से आ चुका है और आप देखिए स्कूल से आते ही सोफ़े पे किस तरह लेट चुका है। मैं बुला रही हूँ कि विराज चलो चेंज करो, वैसे काफ़ी समझदार है, अपने कपड़े चेंज कर लेता है खुद ही। यहाँ मुझे वो स्कूल की काफ़ी सारी बातें बता रहा है और आप देख सकते हैं कि वो अपने ड्रेस को खुद ही उतारता है, अच्छे से रख देता है। फ़िलहाल मैं उसका ड्रेस यहाँ पर रखने जा रही हूँ।
मैं ऐसे सीधा सीधा रख देती हूँ ड्रेस को, क्योंकि मुझे डेली इसको पहनाना होता है, तो वो इसमें श्रिंक भी पड़ जाते हैं। विराज देखिए खेलते खेलते सो गया है यहाँ पर, यहाँ पे शाम हो चुकी है और अब मैं इसे जगा रही हूँ, लेकिन उठ नहीं रहा है, इसे होमवर्क भी करना था बट अभी ये सो रहा है, थका हुआ जाता है लगता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर और सो जाने देते हैं, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं स्कूल से आते हैं। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ आगे वाले कमरे में लाइट जलाने, शाम हो चुकी है तो लाइट जलाना ज़रूरी होता है। तो मैं पूरे घर में क्या करती हूँ, लाइट जला देती हूँ, क्योंकि मैं दिन में तो लाइट ऑफ़ कर देती हूँ और जैसे शाम होती है मैं जला देती हूँ। और यहाँ मैंने गैलरी में ही कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मौसम सही नहीं है, धूप फिर से आ रही है और जा रही है, तो मैं कपड़े गैलरी में ही डाल देती हूँ। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे आ गई हूँ, पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं रुई की बत्ती बना रही हूँ। मुझे बाहर की जोत जलाने की जो बत्तियाँ आती हैं बाहर, वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उससे अच्छे से जोत हमारा दीपक नहीं जलता है मंदिर में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हैंड टू हैंड हाथ से ही बनाकर उसके बाद फिर मंदिर में जला देती हूँ। इससे क्या होता है, देर तक जो जलता है और मुझे अच्छा लगता है मंदिर में, अगर दीपक देर तक जलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत रौनक सी लगती है घर में मुझे। फ़िलहाल मेरी यहाँ बत्ती बन चुकी है और अब मैं भगवान के आगे दीपक जला रही हूँ। मैं सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है पूजा करने से घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। और डेली पूजा करने से मुझे ऐसा भी लगता है कि मन बहुत शांत रहता है। अगर मन में कोई भी टेंशन चल रही होती है आपको, आप कभी नोटिस किए होंगे शायद कि पूजा करने से बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मिलती है मन को, और ऐसा लगता है हमारी समस्या भी दूर होगी। फ़िलहाल मेरी पूजा हो चुकी है और मैं यहाँ पर घर में सब्जी नहीं थी तो मैं उसकी लिस्ट बना रही थी। मेरे हस्बैंड सारी सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो मुझे सोच सोच के लिखना पड़ता है कि मुझे कौन सी सब्ज़ी मंगानी है। फ़िलहाल मैं तो सारी सब्ज़ियाँ खा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, इसलिए मैं बहुत सोच के लिख रही हूँ कि मैं क्या मंगाऊँ जो वो खा लें। फ़िलहाल यहाँ पे मैं लिस्ट बना के दे दूँगी तो सब्ज़ियाँ आ जाएंगी। तो ऐसा होता है ना कि जब कोई सारी सब्ज़ी नहीं खाती है खाता है तो क्या होता है, फिर हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, आज क्या बनेगा, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और जो खाते हैं तो फिर उसके लिए तो कुछ भी बना लो इंसान खा लेता है। फ़िलहाल मेरी यहाँ पे लिस्ट तैयार हो चुकी है और लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं अभी चाय बनाऊँगी। लगता है सब्ज़ी आ चुकी है, मैंने लिस्ट दे दी थी तो सब्ज़ी आ चुकी है, मैं उसी को लेने जा रही हूँ सुबह के लिए। अभी इस वक्त के लिए तो सब्ज़ी हो चुकी थी, खाना बन चुका था इस वक्त तो, बट मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी नहीं थी तो उसके लिए मंगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विराज भी स्कूल जाता है, विराज को भी टिफ़िन तैयार करने करके देना होता है और सुबह हम क्या बनाएं फिर ये सोचना हो जाता है। फ़िलहाल सब्ज़ी आ चुकी है और मैंने सब्ज़ी यहाँ पर रख दी है, अब मैं चाय बनाऊँगी। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी चाय बनाऊँ, तो कभी लिस्ट बनाती हूँ तो कभी कुछ करती हूँ तो लेट हो जाता है चाय बनाने में। फ़िलहाल मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और चाय बना के मैं विराज को जगाऊंगी, क्योंकि उसको होमवर्क भी करना है। फ़िलहाल चाय बन चुकी है, मुझे कड़क पत्ती की चाय बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे फ़ैन ले रही हूँ शाम के नाश्ते के लिए और अभी चाय छान कर मैं रूम में जाकर विराज को सब, मैं यहाँ पे विराज को जगा रही हूँ कि वो उठ जाए और कुछ खा भी ले। जब से वो आया है स्कूल से उसने खाना भी नहीं खाया है, जब मैं उसे लंच पैक करके दे देती हूँ तो वो लंच कर लेता है, तो वो जो घर आता है कहता है मेरा पेट भरा हुआ है। यहाँ विराज के दोस्त बाहर से बुला रहे थे तो मैं फ़िलहाल बोल रही थी कि वो अभी सो रहा है। तो मेरे व्लॉग में आज इतना ही, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भगवान करे आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स सब सही सलामत रहें और साथ में मेरी भी। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।